कहते हैं ये वो पथरी है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, आप थोड़ा गौर से देखें, यही पथरी निकाल के लाए। ये एक पहली है कि दूसरी है? दूसरी है, ये दूसरी पथरी है, दूसरी बार निकाला ये, देख सकते हैं आप गौर से देखो, यही वो पथरी है। अच्छा एक और पथरी दिखाता हूँ मैं, एक और पुड़िया, एक और निकालो। आज मैंने दो बार निकलवाया, ये आप क्वांटिटी देख सकते हैं, पथरी का कलर भी देख सकते हैं, ये एक हो गया और दूसरा मैं इसे कट नहीं कर रहा हूँ। ये गो घाट तारकेश्वर रूट में जाना पड़ता है और गो घाट उतर के रेलवे स्टेशन उतर कर मोदीना गांव होता है, वहाँ पर माँ मनसा माई का मंदिर है, माँ का मंदिर है भव्य विशाल, और छोटी सी पुड़िया होती है जो नीचे दब जाती है, चली जाती है, ये देख सकते हैं आप। ये दूसरी पुड़िया आपको दिखा रहा हूँ, पहली पुड़िया पॉकेट में डाली है, और ये गौर से देखो आप जरा सा, ये देख सकते हैं, ये पत्थर, ये जो शरीर के अंदर का पत्थर होता है उसको बिना चीर फाड़ के, बिना लेजर के किस तरह से निकाला जाता है, ये जो है झाड़ा देके निकाला जाता है, मंत्रों द्वारा जो झाड़ा होता है वो निकाला जाता है। ये क्या है ये एक बटन मिलो था, ये मैं फिर से दिखा रहा हूँ आपको, आप गौर से देखो, मुझे तो पता ही नहीं था इसके विषय में, आप थोड़ा गौर से देखो, बंगला में है, इधर हिंदी होगा, आप देखो ये पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। मनसा देवाय नमः, ये है, इसको नीचे रखता हूँ मैं, ट्रेन में चल रहा हूँ, थोड़ा बहुत हिल सकता हूँ, लेकिन आप पढ़ो समझो तो देखो क्या है, ये कागज़ वहीं मिला है, तो ये मैं आपको जैसे बताया कि ये हावड़ा स्टेशन से जाना पड़ता है, और पूरी डिटेल मैं आगे बता चुका हूँ आपको, आगे बता रहा हूँ आपको। नमस्कार, मैं हेमंत ओसावर हेमंत टीवी चैनल से आपको आज मैं वो चीज़ दिखा रहा हूँ। मैं अभी गो घाट से निकला हूँ, और गो घाट मैं जानकारी के लिए बता रहा हूँ, गो घाट से रिक्शा लेकर अगर आप जाते हैं, मैं मोदीना देखिए मैं बताता हूँ, हावड़ा से 90 किलोमीटर दूरी पर है, और पथरी जो होती है, जो हमारे शरीर के अंदर पथरी हो जाती है किडनी में हो जाती है और किडनी के ऊपर में जो होती है पथरी, जो लीवर के बगल में होती है उसकी, उसका जो पत्थर जो निकालती है अम्मा जी, जिसको बोला जाता है माता जी, वो उसका जाने का रास्ता और पत्थर निकालने का रास्ता मैं बता रहा हूँ आपको, आप थोड़ा गौर से सुनिएगा, यही रास्ता है। मैं अभी गो घाट से निकला हूँ, और ये कौन सी ट्रेन पकड़नी है और किस तरीके से रास्ता है मैं आपको जानकारी बता रहा हूँ। हेमंत ओसावर आपको बता रहा हूँ, मैं ट्रेन में हूँ अभी, और अभी पथरी निकाल के आ रहा हूँ, और ये मैं चाहूँगा कि आपको जानकारी रहनी चाहिए, और मेरी बात जो है वो अच्छी तरह से, पूरी अच्छी तरह से ध्यान से समझे और सुनिए। ट्रेन में जा रहा हूँ, हो सकता है मेरी आवाज़ दब जाए, लेकिन इसको सही तरीके से आप सुनना। हावड़ा से ट्रेन पकड़ेंगे तो 90 किलोमीटर की दूरी है, मैं बता रहा हूँ आपको, गो घाट जाने के लिए आपको दिखा रहा हूँ मैं, ऐसी ट्रेन लेना पड़ेगा जो कि 75 रुपया लगे, तीन आदमी का 75 रुपया और एक आदमी का जो है आपका 25 रुपया करके है, और किलोमीटर 91 किलोमीटर है, आप देख सकते हैं किलोमीटर जो कि 90 किलोमीटर है गो घाट जाने के लिए। गो घाट जाकर आपको एक रिक्शा करना है, और गो घाट जो है वो रास्ता तारकेश्वर रूट का है, मैं फिर बता देता हूँ, तारकेश्वर रूट से और आगे जाना पड़ेगा आपको, जिसमें मायापुर आएगा, और मायापुर के बाद आलम बाग आएगा, उसके बाद जो है गो घाट आ जाएगा। गो घाट आप ध्यान रखना, स्टेशन का नाम है गो घाट, और गो घाट उतर कर आप वहाँ से कोई भी टोटो या कोई रिक्शा ले लेंगे, जो कि आपको मोदीना बोलकर एक गांव आता है, 10 मिनट में रिक्शा वाला पहुंचा देगा, 10 से 12 मिनट में मोदीना गांव। ये देखिए गो घाट का ये खेत खलिहान आप देख रहे हैं, अभी भी उसी रूट से ट्रेन निकली है, और हावड़ा के लिए हम लोग रवाना हो चुके हैं, और वहां पर मोदीना में जो मंदिर है,
माँ मनसा माई का मंदिर है, बहुत बड़ा तो नहीं है लेकिन गांव के हिसाब से बहुत बढ़िया है और शक्तिपीठ मंदिर है माँ मनसा माई का। वहाँ पर एक माता जी है जो कि आपको पथरी का इलाज निकालती है, किडनी में हो या कितनी बड़ी पथरी हो, 30 mm, 28 mm, 40 mm, 60 mm। और सबसे बड़ी बात है कि आज मेरी मुलाकात जो है वो सबसे हाईएस्ट जिसको बोला जाता है 84-85 mm के ऐसे मरीज से हुई जिसके 85 mm थी और बहुत ही तकलीफ में था, आज उसकी भी पथरी निकाली गई। ये प्रोसेस 2 या 4 बार का होता है, कोई को 2 बार में निकल जाती है, कोई को 4 बार 5 बार करना पड़ता है तो पथरी निकल जाती है। ये कितनी बड़ी पथरी और पूरी गारंटी के साथ निकलती है। और इसमें जाने का रास्ता ये है कि आप शनिवार और मंगलवार, आप फिर से गौर करिएगा, आज मंगलवार है मैं आपको बता रहा हूँ, मंगलवार और शनिवार जा सकते हैं आप। और शनिवार मंगलवार जाकर मैं आपको दृश्य भी दिखा रहा हूँ, गाँव का दृश्य चारों तरफ का। शनिवार और मंगलवार आप जाकर वहाँ पर, मैं फिर से बता रहा हूँ, आप फिर से गौर से सुनिएगा, मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ कि आपको याद हो जाए। शनिवार को सुबह 9 बजे से पहले वहाँ पहुँचना पड़ता है माता जी मनसा माई के मंदिर में, 9 बजे से पहले। आप भलाई 7 बजे पहुँच जाइए, 8 बजे पहुँच जाइए, 8:30, 9, 9:15 बजे तक लास्ट पहुँच जाइए और नंबर लिखा दीजिए, नंबर लिखा देता है 9:15 बजे तक। और कम से कम 200-400 आदमी की लाइन लग जाती है। और लाइन क्या लग जाती है, जैसे जैसे और इसका प्रोसेस जो स्टार्ट होता है 9:30-10 बजे से स्टार्ट हो जाता है, जो चलता रहता है जब तक मरीज वहाँ पर रहते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, जब तक वहाँ मरीज रहता है तब तक वो प्रोसेस चलता रहता है। और उसके बाद आपको जो है, मैं लोकल ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ और बहुत ही फास्ट है ये ट्रेन, लोकल ट्रेन में करना चाहिए, जो कि आपको तारकेश्वर रूट है, तारकेश्वर बाबा धाम तारकेश्वर रूट है, तारकेश्वर से और 4 स्टॉपेज आगे जो है वो घाट स्टेशन का नाम है, वहाँ पर से मदीना जाना है मदीना, और आपको वहीं पर पथरी का इलाज मिलेगा। मैं बता रहा हूँ, भटक मत जाइएगा, ट्रेनें काफ़ी होती है, लेकिन तारकेश्वर रूट याद रखिएगा, जो हावड़ा से चलती है तारकेश्वर रूट की ट्रेनें, उसी में बैठना है। और वो तारकेश्वर से 4th स्टॉपेज है गो घाट, बीच में मायापुर भी आएगा आपका, और भी कई स्टेशन आएंगे, 3-4 स्टेशन आएंगे, और गो घाट उतर जाइएगा छोटा सा, और लास्ट स्टॉपेज है वहाँ उतर कर। आप फिर से बता रहा हूँ, मैं कई बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये आपके फ़ायदे की चीज़ है। वहाँ माता, मैं हालांकि वहाँ पर वीडियो और फोटो लेना थोड़ा मना है, वर्जित है, क्योंकि वो माता जी को शक्ति आती है और वही शक्ति का प्रयोग वो सेवा भाव से करती है और लोगों की पथरी निकालती है। मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत शुद्ध भाव से, सरल भाव से, और कुछ सेकेंडों का इलाज है ये, कुछ सेकेंड माता माँ भगवती के सामने कुछ सेकेंड, 30 सेकेंड, 25 सेकेंड सुलाया जाता है, और पानी का जो लोटा होता है उसके पेट पर रखा जाता है, पानी का लोटी जो होती है तांबे की होती है, और वो लोटी भरकर तालाब से खुद को लेके आने पड़ती है, खुद ही लेके आओ तालाब से भरकर, खाली लोटी सफा करके खुद ही वहाँ रखो, और एक जन उठाकर उनके पेट पर रखेगा, पेट से उठा के वापस मरीज को दे दी जाती है जिसको पथरी होती है, उसमें एक फूल डाला जाता है, फूल वापस निकाल लिया जाता है, और फूल निकालने के बाद आप अपने बाहर में जाकर 2 आदमी जहाँ पर्ची, जहाँ नंबर लिखाते हैं, जहाँ पर्ची आप लेते हैं, वहाँ पर वो आपको पानी गेर देगा, और आप अपने हाथ से पानी गेर कर पथरी निकाल सकते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, आप अपने हाथों से ही पानी गेरेंगे और पथरी आप अपने हाथों में देखेंगे कि पथरी कुछ ही सेकेंडों में आपके हाथों में वो पथरी होगी, और उसके बाद वो पथरी भलाई आप इलाज करा लो किसी से भी, आप किसी से भी उसके विषय में जानकारी ले लो, नहीं क्या, और पथरी भी चेक करा सकते हैं, आजकल लेबोरेटरी में पथरी भी चेक होती है, आपको पता होना चाहिए। और आप अपने बॉडी में जितनी पथरी है उसका नाप तोल पहले कर लो, अगर किसी को शंका समाधान हो तो वो कर सकता है, सीटी स्कैन वगैरह, एक्सरे, KYC सब कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपको जानकारी होगी, देखिए एक स्टेशन ही आ रहा है, यही स्टेशन है, इसके आगे है आरामबाग, आरामबाग जो है ये स्टेशन है, मैं आपको दिखाया ना आरामबाग, अब इसके बाद आएगा आपका मायापुर, और उसके बाद देखिए आरामबाग आप पढ़ सकते हैं, आरामबाग काफ़ी लोग चढ़ते हैं यहाँ से, देख सकते हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि आपको दिखाना चाहिए जूम करके आरामबाग का ये स्टेशन, ताकि आप भटक ना जाए, आपका टाइम बर्बाद ना हो, ठीक से पढ़ सकते हैं आप।
और यही आरामबाग स्टेशन पर आपको उतरना है, उतरना नहीं मतलब इसी रूट से आपको जाना है। इसी के नेक्स्ट स्टॉपेज जो है वही है, आपको जैसे मैंने बताया इसी का नेक्स्ट स्टॉपेज जो है गो घाट है। हम ये बात समझ रहे हैं, गो घाट जो है वो इसका ही अगला स्टॉपेज है तारकेश्वर रूट में, वहाँ उतरना है और आप अपने पथरी का इलाज कर सकते हैं। हालांकि मेरी क्लिप जो है 7-8 मिनट की ज़रूर है, लेकिन मैं आपको बार बार इसलिए याद दिलाता हूँ ताकि कोई भी परेशानी हो, कोई को भी हो, भाई लोग हमारी इस चीज़ को शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि हिंदुस्तान के अंदर भी इस तरह का झाड़ा लगता है, झाड़ा लगाया जाता है। मैं बोल रहा हूँ कोई जादू टोटका वाला या कोई ऐसा अहित कार्य नहीं है, वहाँ झाड़ा पथरी का झाड़ा लगाते हैं, कुछ सेकंडों में ही आपकी पथरी आपके हाथों में होती है बॉडी के अंदर, और वो पानी में आपको लोटी के अंदर पानी में रहेगी और खुद आप अपने हाथों से वो पथरी निकालेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। और आपको यहाँ स्टेशन भी आप समझ गए होंगे और अच्छी तरह जान गए होंगे। ये देखिए स्टेशन पढ़िए आरामबाग, आप बंगला में भी समझ सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश में भी समझ सकते हैं, और मेरा प्रेशर है, जोर है, इसलिए मैं आपको इस विषय में बार बार बताता हूँ ताकि क्या है कि कोई भी आदमी जाए उसको कोई भी तरीके की कोई समस्या ना हो, और सबसे बड़ी बात है श्रद्धा भाव से जाए, श्रद्धा भाव से जाना चाहिए। हिंदुस्तान में आज भी हमारी जो प्राचीन जमाने से जो विद्या हुई है, जो मंत्र है, जप है, आज सनातन धर्म है, वो पावरफुल है, और उसी का ये आज बहुत ही आलिशान परिणाम है कि आज भी लोग जो है शरीर के अंदर का जो पथरी है, जो शरीर के अंदर है, जो बिना चीर फाड़ के आज मंत्रों द्वारा, झाड़े के द्वारा बाहर आ जाती है, जो अपनी नन आँखों से आप देख सकते हैं। मैं हेमंत तोसावर हेमंत टीवी चैनल से आपको बार बार बोलता हुआ, और इसको आप शेयर भी करें, लाइक भी करें, और मैं वहाँ का लाइव फोटो, आप सोच रहे होंगे कि वहाँ का वीडियो क्यों नहीं बनाया, आप जरूर जरूर ये लोगों ने सोचा होगा कि वहाँ का वीडियो क्यों नहीं बनाया, क्यों नहीं भेजा, हमें तो तब विश्वास होता, ये बात आप सोच रहे होंगे, जरूर जरूर पक्का, ये आपका 100% सोचना सही है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ आपको भी प्रैक्टिकल करके आया हूँ मैं, और अपने हाथों से करके आया हूँ छोटा भाई का, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये सच्चाई है, और इस सच्चाई में 100% प्योर दूध की तरह सत्य है। देखिए इसमें कई मरीज मिल जाएंगे, मैं इंटरव्यू भी ले सकता हूँ, मगर ठीक है रहने दीजिए, आप अपने खुद अपने आँखों से देखेंगे तब आप विश्वास करेंगे। हर किस्म के लोग आते हैं वहाँ पर, डॉक्टर तो मैं बता रहा हूँ, मेरी आज मुलाकात एक डॉक्टर से हुई थी जिसने खुद अपना पथरी निकाला था, और एक पंचायत का जो है पंचायत इलेक्शन के लिए जो नेता है नेता, वो भी आज उसका भी परिवार आया हुआ था, उसने भी पथरी निकाली थी, मैं बता रहा हूँ, नहीं क्या गो ग्राम से मेदिना में जाता, तो ये चीज़ जो है अपनी आंखों से देखा हूँ मैं, नन आंखों से देखा हूँ, लेकिन मैंने वहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह जो है थोड़ा वर्जित है, और बिना जान पहचान का कुछ बना नहीं सकते, यही रास्ता है, इसी रूट से आपको जाना है ट्रेन के द्वारा। मैं हेमंत तोसावर हेमंत टीवी चैनल से, धन्यवाद, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक शेयर करें आप।